2011 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की तरफ। इसके जो भी सवाल दिए गए हैं या फिर जो भी सवाल पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन में, या फिर आरआरबी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पे भी पूछा गया है आपके साइंस के रसायन विज्ञान के सवाल, वो कंप्लीट करते हैं। जिसमें पहला चैप्टर जो है वो है रसायन विज्ञान एक परिचय, केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। और मेरे प्यारे भाई, इसमें आपके पूरे 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है आपका वो है पदार्थ यानी मैटर्स। अब इसके सवालों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल है ये ठोस के मध्य होता है, तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुणों के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। यही गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नहीं दिया होता, ना होता, तो ये सही हो जाता। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत दिया गया था। समझिए, पदार्थ के संदर्भ में कथन जो सत्य हैं वो देख लीजिए। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। अगला सवाल है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है, वह ठोस यानी सॉलिड कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है और ये अवयवी कण अणु या परमाणु या फिर आयन होते हैं। ठोस के कुछ लक्षण दिए गए हैं वो देख लीजिए। ठोस जो है असंपीड्य एवं कठोर होते हैं और इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और गलनांक प्रायः इनका अधिक होता है। अगला सवाल है, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा कुल मिलाकर के पदार्थों की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, जिसमें आप देख लीजिए, पहला आपका जो है वो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं अभी तक तय की गई हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जो कि लास्ट वाली है। नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? पहला देखिए, ये है सॉलिड, ये सॉलिड बना हुआ है। ये है लिक्विड, एक जार में है। ये है गैस, जो कि बिरल में है। और ये है प्लाज्मा। अब देखिए, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये गलत है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद हो ऐसा हम नहीं कह सकते, तो बी आंसर गलत है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये गलत है, तो बी आंसर गलत दिया गया है। देखिए, दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता। यह ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या फिर चौथी अवस्था माना जाता है,
ये तरल पदार्थ केवल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना है, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। अगला सवाल है आपके सामने, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। अब आपको बताना है कि इसमें से किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से, तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार गैस में विसरण जो है ये अत्यधिक तीव्रता से होता है, जबकि कहा जाए कि बहुत ही कम या बहुत ही मंदता से किसमें होता है तो ठोस में होता है। ठोस में विसरण हालांकि ना के बराबर होता है लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है, तो दिया गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, RRP ALP एंड टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप देखिए। पहला देखिए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पहला ही गलत है क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में हो ही नहीं सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, पदार्थ की कुछ विशेषताएँ दी गई हैं उनके कणों से संबंधित, इसको एक बार आप यहाँ पर ध्यान देखिए। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की में गति जो है तेज हो जाती है। अगला सवाल है, एक शुद्ध पदार्थ है। अब इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक शुद्ध पदार्थ इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, मीथेन, क्योंकि चीनी के घोल में एक पानी और एक चीनी, यानी ये आपका हो जाएगा बिस्मांगी, यानी इसमें मिश्रण है तो ये गलत। दूध में भी आपका जो है ये मिश्रण होता है और वायु में तो मिश्रण होता ही है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मीथेन जो एक शुद्ध पदार्थ है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि मीथेन को और क्या कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधान सत्य हैं यह है? देखिए, पहला देखिए, दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता, ये दृढ़ता बताता है। मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अगला देखते हैं, संपीड़ता, वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, उसकी दृढ़ता नहीं बताई गई है, तो पहला गलत है। केवल और केवल बी सही है, यानी ऑप्शन सी, केवल बी ही सत्य है। मेरे प्यारे भाई, दृढ़ता के बारे में थोड़ा सा समझिए, हालांकि मैंने पहले ही बताया, फिर से देख लीजिए। पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या फिर धक्कों का विरोध करते हैं, अतः ए जो है गलत है, बी जो है सही है। यानी ए जो बताया गया है यहाँ पर, दृढ़ता यानी टफनेस, ये गलत दिया गया था क्योंकि वहाँ पर पदार्थों की जो अवस्थाएँ हैं उनकी परिभाषाएँ दी गई हैं, ना कि दृढ़ता के बारे में बताया गया है। जबकि बी वाले में संपीड़ता जो बताया गया, उसमें संपीड़ता बिल्कुल सटीक परिभाषा दी गई है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल बी ही सत्य है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टॉपिक जो है वो है पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक, मिश्रण या विलयन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, और कंपाउंड्स, मिक्सचर या सॉल्यूशन। अब इसके सवाल देखते हैं, जो भी सवाल दिए गए हैं इसके या फिर जो भी सवाल पूछे गए हैं RRB NTPC, RRB ग्रुप D, RRB ALP टेक्नीशियन, जहाँ पे भी पूछा गया है वो सारे सवाल कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल, बिस्मांगी प्रकृति में हो सकता है, सॉरी मिश्रण, तो मिश्रण जो है मेरे प्यारे भाई ये प्रकृति में एक ऐसा हो सकता है समांगी और बिस्मांगी दोनों, यानी कि इसमें मिलावट भी हो सकती है और बिना मिलावट के भी हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रकृति में जो मिश्रण है ये समांगी और बिस्मांगी दोनों हो सकते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण यानी शरबत। बिस्मांगी मिश्रण जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण।
अगला सवाल देखिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मेरे प्यारे भाई, मिश्र धातु जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ठोस विलयन का उदाहरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन जो है वो यहाँ पे हैं, देख लीजिए एक बार। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुएं जैसे पीतल, अगर पूछा जाए पीतल क्या है और ऑप्शन में दिया जाए ठोस में ठोस का विलयन, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, तो ठोस में ठोस का विलयन है। थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, तो ठोस में द्रव का विलयन। और वायु में कपूर का विलयन किस प्रकार के विलयन है? गैस में ठोस का विलयन, क्योंकि वायु यानी गैस और कपूर एक ठोस है, तो वायु में कपूर का विलयन, क्योंकि कपूर जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो वायु में कपूर का विलयन जो है ये गैस में ठोस का विलयन कहलाएगा। जल में अल्कोहल का विलयन, यानी द्रव में द्रव का विलयन। और कुहार या फिर कुहरा या फिर अमोनिया गैस का जल में विलयन, ये गैस का द्रव में विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विलयन दिए गए हैं, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से विषमांगी मिश्रण क्या है। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे विषमांगी मिश्रण, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूध। समझिए, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन या विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। अगला है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में इसमें से शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका ए आंसर, कोलाइड पदार्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए, कोलाइड पदार्थ जो है ये सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य तीन ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव तथा गैस, ये मुख्य तीन हैं, बाकी दो और मानी जाती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, वो अलग है वैज्ञानिकों के आधार पर। हवा किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो हवा है आपका ये किस प्रकार का मिश्रण, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन 78.84%, ऑक्सीजन 20.946 यानी लगभग 21%, आर्गन 0.934%, नियॉन 0.0018% और हीलियम 0.000524%, मीथेन 0.02%। ये इतनी जो गैसें हैं ये वायु में मिश्रित हैं, तो इसीलिए वायु जो है ये तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण हो जाएगा। अगला है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सस्पेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर, उसे सस्पेंशन कहा जाएगा। समझिए, ये मैंने ये वही लिखा है, पूरा का पूरा वही, कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, इसकी संरचना तय है, ये गलत है, क्योंकि मिश्रण के गुणों के में संरचना तय होना ये कोई बताया ही नहीं गया। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है, और इन्हें भौतिक विधि से अलग भी किया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी संरचना तय है, ये गलत है। तो डी आंसर ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं, सॉल्यूशन नहीं बनाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, यानी वो एक विलयन नहीं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाता है अमिश्रणीय, यानी कि इम्पॉसिबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मिश्रित ना हो उसे अमिश्रणीय कहा जाएगा। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर जो है ये एक प्रकार का घुला हुआ पदार्थ है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ। समझ लीजिए थोड़ा सा,
दो या दो से अधिक पदार्थ ठोस द्रव या गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके साधारणतया मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं उन्हें विलायक और जो मात्रा में कम होते हैं उन्हें विलेय यानी घुला हुआ पदार्थ कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई जैसे कहा जाए शक्कर का जो विलयन है, शक्कर के विलयन में कहा जाए तो जब शरबत आप बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है शक्कर या फिर चीनी की मात्रा कम होती है, तो जो पानी की मात्रा अधिक है उसे कहा जाएगा विलायक और जो चीनी की मात्रा कम है उसे कहा जाएगा विलेय या फिर घुला हुआ पदार्थ। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ या फिर विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए, इसमें से एक यौगिक नहीं है। कहने का मतलब इसमें से कौन सा है कि यौगिक नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड चाक और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपके यौगिक हैं, लेड जो है आपका ये यौगिक नहीं बल्कि यह एक मेटल यानी एक धातु है, तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चाक हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन लेड यानी कि जो पीबी है यह एक तत्व, ये एक तत्व जो कि एक धातु है। अगला, रेत और चीनी का मिश्रण किस प्रकार का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, के विजातीय उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, रेत और चीनी का मिश्रण एक विजातीय उदाहरण है। अगला सवाल जो है, सॉरी अगले जो टॉपिक है आपका ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अब इसके सवालों को देखते हैं, जो भी सवाल इसके दिए गए हैं उसके सवालों को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। सवाल पहला, निम्नलिखित मतलब जो चेंजेस हैं यानी परिवर्तन है, इसके पहले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला देखिए, ठोस का द्रव में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, गैस का द्रव में द्रवीणीकरण या फिर मतलब बदलना ये भी है, पदार्थों का किण्वन ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन है, गैस का द्रव में वाष्पीकरण ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो सी आंसर आपका गलत दिया गया है। समझिए, पदार्थों का किण्वन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया या फिर एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना। अगला, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब इसमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब एक भौतिक परिवर्तन, इसमें कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये एक आपका भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ईंधन का दहन और ऑक्सीकरण या फिर लौह में जंग लगना और प्लेटिनम या फिर तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण या फिर लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीयकरण ये जो है आपका एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिससे नए पदार्थ बनते हैं वह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण जैसे मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग का लगना। अगला सवाल, अगला है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका एक सामान्य उदाहरण है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन जैसे अगरबत्ती का जलना, दूध का दही में परिवर्तन होना। अगला, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, निष्क्रियकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। देखिए वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण जिसको एक शब्द में कहा जाता है या आसान शब्द में कहा जाए उदासीनीकरण, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बाकी मैं आपको गाइस आगे बताऊंगा, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए पहला देखिए,
देखिए, एक अंडा पकाना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी अंडा पकाना कहने का मतलब है कि अंडा पक करके कहीं ना कहीं दूसरा पदार्थ बनेगा, और जब भी दूसरा पदार्थ बनेगा तो वो एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया है। केक को बेक बनाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और केले का सड़ना, यानी अगर केला सड़ गया तो दोबारा आप उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, इस वजह से आपका ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक आइस क्यूब का पिघलना, या फिर कहा जाए एक बर्फ के घनाभ का पिघलना, या फिर एक बर्फ के चट्टान का पिघलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा, पदार्थ के आकार, माप या फिर साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ नहीं बनता है, आइस क्यूब का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, और बाकी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मेरे प्यारे भाई, ये जो है आपका ये ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल विपरीत है, यानी गैस का ठोस में बदलना, ये कहलाता है डीपोजिशन। क्या कहलाता है? डीपोजिशन। और ठोस का गैस में परिवर्तन होना, ये कहलाता है आपका कंडेंसेशन, ये आपका कहलाता है सम्मिलेशन। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका डीपोजिशन राइट होगा, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, डीपोजिशन, डीपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, संघनन या फिर कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है ये क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वाष्प या फिर भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी वाष्प का जल में परिवर्तित होना संघनन या फिर कंडेंसेशन कहलाता है। सब्लिमेशन या वह प्रक्रिया है जिसमें या फिर जिसके द्वारा कोई ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कपूर का जलना या फिर कपूर का गैस बनना। वाष्पीकरण या फिर कहा जाए इवापोरेशन, ये वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ तरल या फिर द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था या फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें एक निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? कहने का मतलब है कि इसमें से क्या अवलोकन करके हमें यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अवस्था में परिवर्तन होना, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना, ये सभी, डी आंसर राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से एक भौतिक परिवर्तन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, पानी का बर्फ में परिवर्तन, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन। जबकि मानव में श्वसन, दूध से दही बनना और मानव में पाचन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने पहले ही आपको बताया रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, समझिए फिर से। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे कोई एक पदार्थ बनने के बाद दोबारा उसी अवस्था में ना आ पाए या फिर दोबारा उसी अवस्था में ना लाया जा सके, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। और बाकी भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे एक दूसरे की अवस्था में परिवर्तन किया जा सके, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझिए, जैसे कहा जाए पानी का बर्फ में परिवर्तन, क्या कहा गया? पानी का बर्फ में परिवर्तन। अब बर्फ को आप पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, पानी को बर्फ में भी परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, तो एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि मानव में श्वसन, यानी मानव का श्वसन की प्रक्रिया जो है कि रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा इसलिए क्योंकि श्वसन से फिर मानव थोड़ी बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा ना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दही से आप दूध नहीं बना सकते, दूध से दही भले बन जाएगा लेकिन दही से दूध कदापि नहीं बन सकता, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन। मानव में पाचन, जो खाना पच चुका है वो फिर से खाना बिल्कुल मुख्य रूप से या फिर कहा जाए बिल्कुल समूचे में नहीं हो सकता है, इस वजह से ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। बाकी एक बार मैं आपको समझा देता हूं, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक या भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या फिर दूध से दही का बनना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन है।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि शरीर में भोजन का पाचन ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि दूध का दही में परिवर्तित होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन और रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, एक सब एक बाप के भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, जस्ट अभी मैंने बताया बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, बाकी अंगूर का किण्वित होना, यानी अंगूर का किण्वित का कहने का मतलब है कि अंगूर का सड़ना, ठीक है, फलों का पकना और दूध से दही जमना, ये सब आपके एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अगला जो चैप्टर है आप सॉरी अगला जो टॉपिक है यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये सवाल जो भी दिए गए हैं इसमें ये कंप्लीट करते हैं, ये आपकी चौथी टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, चैप्टर अभी आपका वही चल रहा है रसायन एक परिचय, वो चैप्टर चल रहा है जिसमें चौथी टॉपिक आपकी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके सवाल को देखते हैं, पहला सवाल देखिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रासायनिज्ञ एंटोनो लेवोजियर ने किया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप। अगला, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा डी आंसर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने पहले ही बताया, समझिएगा। पांचवी टॉपिक जो है आपका वो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, अब इसके सवाल जो भी दिए गए हैं स्थिर अनुपात के नियम के ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, पांचवी टॉपिक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया, स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित करने वाले हैं जोसेफ प्रोस्ट, राइट हो जाएगा बी आंसर जोसेफ प्रोस्ट। देखिए जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया, इस नियम के अनुसार जो स्थिर अनुपात का नियम है ये कहता क्या है वो एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, यह है स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम। अगला, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा, वी आंसर राइट हो जाएगा जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होगा, अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है ये आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। अगला सवाल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह किस नियम के साथ सहमति है, तो लगातार समानुपात के नियम के अनुसार, वी आंसर राइट हो जाएगा लगातार समानुपात नियम के अनुसार या फिर निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, समझ लीजिए निश्चित अनुपात के नियम यानी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात सदैव निश्चित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 में कार्बन C और ऑक्सीजन O2 के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होगा, क्यों, आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम माना गया है, कहने का मतलब है लगातार समानुपात के नियम को ही निश्चित अनुपात माना गया है आयोग के द्वारा RRB के द्वारा,
द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के निश्चित या फिर स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अमोनिया में नाइट्रोजन और इसके अलावा हाइड्रोजन, मेरे प्यारे भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? 14:3। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 14:3। देखिए अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर अनुपात निश्चित अनुपात क्या होगा? एन यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है 14 और एच यानी हाइड्रोजन एक होता है एक, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 यानी 14:3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अमोनिया जो है एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह जल में अति विलेय होती है, कहने का मतलब है यह जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे भाई राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए आंसर 5:2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 5:2, क्योंकि आप जानते हैं कि Ca यहाँ पे जो आपका कैल्शियम है इसका हो जाएगा 40 और O यानी कि जो आपका ऑक्सीजन है इसका हो जाएगा यहाँ पे 16। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16 यानी 5:2 हो जाएगा, तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात जो है स्थिर होते हैं। अब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहने का मतलब है H2O, मेरे प्यारे भाई H2O, H2 यानी कि यहाँ पे एक और ये O आपका हो जाएगा 8, तो 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/8 नहीं, यहाँ पे 2/8 होगा, एक मिनट, हाँ 1/8 ही होगा क्योंकि यहाँ पे H2O है तो H का 1 का 2 से गुणा करेंगे तो गाइस आपका हो जाएगा 1 और ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 2:1 होना चाहिए क्योंकि आयतन के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार कहा जाए तो 1/8 ही होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान के अनुसार कहा जाए तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या जो होती है 8 होती है, तो 1/8 होगा, जबकि आयतन के अनुसार कहा जाएगा तो 2/1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो, चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला है कि अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14:3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ही आपको इसको बताया जा चुका है। छठी टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सवाल देखते हैं। पहला सवाल, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। वी आंसर राइट हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है और रासायनिक संयोजन के मुख्य दो नियम हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। अगला, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, रासायनिक संरचना एक निश्चित अनुपात के लिए एक स्पष्टीकरण देता है। रासायनिक संयोजन और एक निश्चित अनुपात नहीं होगा क्योंकि रासायनिक संयोजन जो है मेरे प्यारे भाई इसके नियम पर आधारित है, लेकिन पूछा गया कि किसका स्पष्टीकरण देता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात दोनों का, तो बी आंसर राइट आंसर यहां पे होगा। ठीक है, अगला देखिए, डाल्टन की पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा एक कथन सही है? अब आपको बताना है कि डाल्टन के अनुसार इसमें से कौन सा एक कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझिए, हालांकि मैंने आपको इसको पहले ही बता रखा है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई मुझे लग रही है। देखिए डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और परमाणु को किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं वो देख लीजिए, प्रमुख बिंदु इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। विभिन्न तत्वों या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गण भी भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु जो है अविनाशी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा इसमें कौन सी नहीं है। मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े कल्याण नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। ये गलत है क्योंकि ये उदाहरण है नहीं है, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, ये गलत कहा गया है क्योंकि उन्होंने इसको अणु नहीं परमाणु माना है। समझिए, ये मैंने पहले ही आपको बताया है, हालांकि हटाइए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जॉन डाल्टन के अनुसार ही बताया गया कि परमाणु जो है ये छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहला देखिए, यौगिक मतलब ही नहीं है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से, ये भी नहीं है, परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, डाल्टन ने द्रव्य का संरचना का गहन अध्ययन किया और 1830 में द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधित एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इस परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरचना के नियम भी प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार परमाणु जो एक अदृश्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है कि इसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया। सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हालांकि मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता रखा है तो बार बार वो एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं है। अगला देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो डी आंसर राइट होगा। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन ने, तो बी आंसर राइट हो जाएगा जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। सवाल बिल्कुल वही है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है, जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जॉन डाल्टन RRB NTPC परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, CBT 1। देखिए, दो टॉपिक मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें न्यूमेरिकल के सवाल ज़्यादा हैं, तो मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊंगा। जैसा मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया है कि न्यूमेरिकल के सवाल मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊंगा, और जो आपके रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए वो भी मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने दो टॉपिक स्किप किए हैं, आपका जो 7वां टॉपिक थे और 8वां टॉपिक है मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। अगला 9वां टॉपिक जो है वो आपका बर्जीलियस की परिकल्पना और तत्व के प्रतीक, यानी कि आपका जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस है या फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है, इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन का प्रतीक C होता है, आयोडीन का प्रतीक I होता है और फ्लोरीन का प्रतीक F होता है, लेकिन लोहा का प्रतीक जो होता है वो FE होता है, तो यहाँ पे जो लोहा है आपका इसी में दो अक्षर हो जाएंगे, तो C आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, सेम टू सेम वही यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस के द्वारा। अगला सवाल, इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। 1811 में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत यानी द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिक के दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, अथवा एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्धारण तत्व के नाम के आगे के एक या फिर दो अक्षरों से किया जा सकता है, जैसे सीरियम। सीरियम का जो प्रतीक है ये CE है और परमाणु संख्या 58 है। थोरियम का प्रतीक जो है TH है और परमाणु संख्या 90 है। सिलिकॉन, जिसका प्रतीक SI है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 14 है। टाइटेनियम, जिसका प्रतीक TI है और इसका जो मतलब परमाणु संख्या है ये 22 है। मेरे प्यारे भाई, इसका एक अपवाद भी है, पोटेशियम, जिसका प्रतीक K होता है, आगे बताएंगे। अगले सवाल है आपके सामने कि निम्न में से किन वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक के नाम के, यह वही सवाल है, राइट हो जाएगा बर्जीलियस, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने सुझाव दिया, सवाल फिर से वही है मेरे प्यारे भाई, बर्जीलियस, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सवाल सेम टू सेम वही रहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ ली जाती है और भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। गाइस, अगर आप भ्रमित हो गए ना तो सब कुछ बनते आधार, ये समझ जाओ। भ्रमित नहीं होना है, स्थिर दिमाग से एग्जाम देना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो कार्बन, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे तांबा का जो प्रतीक होता है सी यू होता है, तो दो अक्षर हो गया। कार्बन का प्रतीक सी होता है, तो केवल और केवल एक अक्षर है, जबकि जो क्लोरीन है सी एल और कैल्शियम सी ए, इन सभी में दो दो अक्षर हैं। अगला, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो प्रतीक दिया गया है, ये किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन का, और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व। अगला सवाल देखिए, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। कहने का मतलब है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर जो है ये हमेशा किस तरीके से लिखा जाएगा? तिरछे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, मोटे अक्षरों में, या फिर बड़े अक्षरों में? राइट हो जाएगा बड़े अक्षरों में। जैसे आप जानते हैं, अगर आपको लिखना है लोहा का प्रतीक, तो आप कहेंगे एफ ई। क्या कहते हैं? एफ ई। तो एफ आप कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे आप अगर क्लोरीन का लिखते हैं, तो आप लिखते हैं मेरे प्यारे भाई सी, तो यहां पे आप आगे सी कैपिटल में ही लिखते हैं। जैसे आप गाइस अगर कैल्शियम का लिखते हैं, तो सी ए, तो सी कैपिटल में ही लिखा जाएगा, यानी बड़े अक्षर में ही लिखा जाएगा पहला अक्षर। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। देखिए, दसवीं टॉपिक जो है आपका, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु। अब इसके सवालों को देखते हैं, जो भी सवाल दिया गया इसको कंप्लीट कर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा, एक मिनट, कुछ छूट गया है क्या? नहीं, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कहने का मतलब है, इसमें से कौन सा एक, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, यानी मेटोलाइट्स है, यानी उपधातु है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जी ई, यानी जर्मेनियम जो है आपका एक उपधातु है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, समूह 14 यानी कि समूह 14 तत्व, जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है, आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल कार्बन ही एक ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम जी ई एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है, सीसा यानी कि पी बी, ठीक है। सभी परिस्थितियों में संरचना और दोनों गुणों में धात्विक है। अगला देखिए, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातुओं के एक सही युग्म का चयन करना है, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु तत्व है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीमनी। देखिए, उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये सात है, और ये सातों के सात उपधातु जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही सात उपधातु एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये जो हैं आपके सात उपधातु हैं, यानी मेटोलाइट्स हैं। इन सातों को आपको याद रखना है। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? अब ना तो धातु और ना ही अधातु मतलब उपधातु है, तो इसमें उपधातु क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। अगला सवाल, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मकता होती हैं, फिर विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं, यही आपका राइट है। तो ए आंसर ही आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। बाकी समझने की कोशिश कीजिए, अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती हैं। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है और अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती। ये ताप यानी उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना भी है, ठीक है, भंगुर होना भी एक अधातु का गुण है। और इस तत्व के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं कम होते हैं। कहने का मतलब है, अधातु के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं कम होते हैं और अधातु में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु या फिर क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी के काम में आता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक उपधातु नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, सेलेनियम नहीं है, जबकि एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेलेनियम नहीं है, क्योंकि सेलेनियम जो है मेरे प्यारे भाई ये इसका परमाणु क्रमांक 34 है और इसका वर्गीकरण जो है ये अधातु के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है, सेलेनियम जो है ये अधातु है, जबकि एंटीमनी, सिलिकॉन, आर्सेनिक ये जो है आपके उपधातु हैं, ठीक है।
सेलेनियम की खोज जो है 1817 में बर्जिलियस के द्वारा ही की गई थी। और सिलिकॉन एंटीमनी आर्सेनिक उपधातु हैं और ये वह धातु हैं जो धातु और अधातु के दोनों गुण रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु नहीं है, एक उपधातु है। ठीक है, अगला है आपके सामने के धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करता है? धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, इसमें क्या जो है ये सही बताता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा आप ये हो जाएगा कि धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, कहने का मतलब है कि इसमें से किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर, धातुओं की प्रकृति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धातुओं। देखिए, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, उदाहरण बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें तार के रूप में ढाला जा सके, वो हो जाएगा आपका सी आंसर, तन्यता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्यता। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक मिनट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सके, धातु के उस गुण को तन्यता या फिर डक्टाइल कहा जाता है। जैसे सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोना को खींच करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आभूषण सोना को खींच या फिर सोना के तन्यता के गुण के कारण ही बनाए जा सकते हैं। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, धातुएं यानी मेटल्स। मेटल्स जो हैं आपके, एक प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला सवाल देखिए, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, वक्र के आकार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्र। देखिए, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसीलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ जो है ये वक्र, या फिर कहा जाए कि ये कुछ गोला के आकार के होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पत्थर या फिर फॉइल बनाने में आसानी होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, अघात वर्धनीयता के गुण के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अघात वर्धनीयता। देखिए, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को ही अघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। अगला देखिए, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? अभी जस्ट मैंने बताया कि धातुओं को पीटकर उसके पतली तार में, एक फिर खींचकर पतली तार में बनाने की प्रक्रिया जो है ये तन्यता कहलाती है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, तन्यता। अगला आप देखिए, समझिएगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं, और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोना अगर है तो उसको खींच करके 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी ज़्यादा तन्यता सोना में होती है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो सोना ही है, इसको ध्यान रखिएगा। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता, तो वो अघात वर्धनीयता कहलाती है। धातु को पीटकर पतली चादर में बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे अघात वर्धनीयता कहा जाता है। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य और अघात वर्धनीयते होती हैं, ये बिल्कुल सही है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं, ये भी सही है। इनका गलनांक कुछ ना कुछ होता है, ये भी सही है। ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये गलत है, क्योंकि जो धातुएं ये विद्युत ऋणात्मक ना हो करके ये विद्युत धनात्मक होती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक लिए एक गुड न्यूज़ है। देखिए, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जीदान शिद्दत के साथ, तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज लाई गई, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। पूर्णतः न्यूज सिलेबस पर आधारित है, पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज प्लस इमेज एंड कलरफुल के साथ ये ई बुक बनाई गई है, जिसमें पूरा जीके, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स कंप्लीट आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। दाम इसका 99 रुपये है, लेकिन अभी के लिए आपको ये मात्र 39 रुपये की मिल रही है। सो गाइस, अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर देखिए 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो एक बार देख लीजिए 8948667652, इसी पर आपको
व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी मात्र 39 रुपये में। तो मेरे प्यारे भाई, मेरा सजेशन है कि आप एक बार इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर एक बार अच्छे से दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो फिर आपको इससे संबंधित डर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरी गारंटी के साथ कहने का पूरा उचित अनुभव है। तो मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ आप एक बार इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 150 यानी 150 नंबर सवाल है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं। देखिए, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में विद्यमान होती हैं, तो बी आंसर राइट हो जाएगा, मुक्त स्थिति या फिर मुक्त अवस्था में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए। जैसे 24 कैरेट सोना एक वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 ग्राम सोना जो है, अगर इसको आप तन्यता करेंगे या फिर इसको खींचेंगे आप, तो 2 किलोमीटर तक का आपका लंबा तार बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, मुक्त अवस्था के कारण ही संभव है। शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता है, वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में ही ऐसा संभव है। निम्नलिखित में से क्या अधातुओं का एक भौतिक गुण नहीं है? अधातुओं का एक भौतिक गुण नहीं है। देखिए, ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि ठोस अवस्था में ही हों ऐसा कोई भी माना जाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अघर्त वर्धेता ना होना और तन्यता, ये बिल्कुल सही है। और आपका कहा जाए तो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये भी सही है। देखिए, यहाँ पे ये अधातु के बारे में बताया जा रहा है, ना कि धातु। अगर धातु कहा जाता तो उसमें अघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों होगी, लेकिन अधातु में वह घात वर्धनीयता नहीं होती है, केवल तन्यता होती है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए, अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं, जैसे अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक और अयतन्य होती हैं, ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर के भंगुर होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं, इनमें अघात वर्धेतना और तन्यता के गुण नहीं पाए जाते, इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, इसको ध्यान। अगला सवाल देखिए, निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अधातु जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, अधातु। देखिए, धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में से अधातुओं की संख्या जो है 27 है, जिसमें 11 गैसें हैं, 15 ठोस और 1 द्रव है। इसी वजह से कहा जाता है कि अधातुएं जो हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातुएं हैं, जबकि ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब आपकी ठोस अधातुएं हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, सभी धातु या फिर पारे को छोड़कर तरल में है या मुलायम है, ये गलत है, क्योंकि सभी ये तरल में हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कि प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातु या फिर मेटल कहलाते हैं, जैसे सोडियम जिसका प्रतीक Na होता है, पोटेशियम जिसका प्रतीक K होता है, आयरन जिसका प्रतीक Fe होता है, कॉपर जिसका प्रतीक Cu होता है। ये धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें हथौड़े से पेटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जिसे सोना और चांदी सबसे अधिक अघात वर्धीय धातुएं हैं। सबसे अधिक धातुएं चमकदार जो होती हैं, इन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है, और सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती हैं, बल्कि ठोस और सख्त भी होती हैं। तो सभी यहाँ पे जो लिख दिया गया, इस वजह से ही ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु के सबसे अधिक नम्य या फिर लचीली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धातु में सबसे अधिक नम्य और लचीली इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर, ए जी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, चांदी। मेरे प्यारे भाई समझिए, लचीली धातुओं के क्रम में कहा जाए तो सोना सबसे ज़्यादा लचीला होता है हालांकि, लेकिन इस ऑप्शन में सोना नहीं दिया गया था, AU नहीं दिया गया था, तो सोना के बाद होता है चांदी। तो चांदी यानी AG, एल्यूमिनियम यानी AL और तांबा यानी CU, टिन SN और सीसा PB, जिंक ZN, लोहा FE, ये सब जो हैं आपके ये हो जाएंगे धातुएं, और इसमें जो चांदी है आपका या फिर कहा जाए AG जो है, ये सबसे अधिक नम्य या फिर लचीली धातु है। अगला है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन का मिश्रण किया जाता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, कार्बन का मिश्रण किया जाता है। मेरे भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मेरा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट करना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखिए, शुद्ध रूप से लोहे की सामर्थ्य या फिर स्ट्रेंथ कम होती है, अतः लोहे को कठोर और मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात यानी स्टील, लोहे तथा कार्बन की जो है ये मिश्र धातुएं होती हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% यानी लगभग 1.5% होती है।
इसमें से एक सबसे नवीनीय या फिर तन्यशील धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी AU। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो तन्य वाली धातु होती है वो आपका AU या फिर सोना होती है। अगर AU यानी सोना ना दिया जाए तो फिर आप गाय चांदी यानी AG कहेंगे, तो राइट आंसर AU हो जाएगा। ऊपर वाले ऑप्शन में AU ना दिया गया था यानी कि सोना नहीं दिया गया था, केवल चांदी ऑप्शन में था तो मैंने चांदी ही टिक किया था, लेकिन इसमें चांदी और सोना दोनों दिया गया है तो सोना ही सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, निकल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि अलौह धातुएं हैं जिनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यशील या फिर डक्टाइल धातु है। क्रोमियम संक्षारण के प्रतिरोधी धातु है। जो जिंक है इसका प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग यानी कि इसका प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। और टिन जो है इसे धातु के बुश बनाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल जो है ये एक धातु के गुण को दर्शाता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा धातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर एक द्रव अवस्था में, इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार सी आंसर गैलियम हो जाएगा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा गैलियम, प्रतीक GA होता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है, सामान्यतः ये तापमान में तरल अवस्था में ही होता है। एक धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो चमकदार सतह को उसका धात्विक चमक कहा जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा धात्विक चमक। अगला, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्यों? तो धातु जो है ये आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्यों? तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर, इंडियम फन्नी। ये जो है आपका नहीं है। तो गाइस जो इंडियम फन्नी है ये नहीं है, जबकि लिथियम फॉयल, स्वर्ण पत्र, चांदी फॉयल ये सब आपके आघात वर्धनीयता के उदाहरण हैं, लेकिन इंडियम फन्नी जो है ये आपका नहीं है। तो वी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर एक बेसिक होते हैं। राइट हो जाएगा ए आंसर बेसिक। अगला देखिए, अधातुएं कक्षीय ताप पर तरल होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई अधातु, इसमें से जो आपका अधातु है दिए गए ऑप्शन कौन सा? ब्रोमीन। तो अधातु ब्रोमीन जो है कक्षीय ताप पर तरल होती है। वी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 35। एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होती है। तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार अधातु और वो भी तरल अवस्था में, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन ही है, जो कि अधातु है, एकमात्र है, एक इकलौता है जो सदैव तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। डी आंसर राइट हो जाएगा ब्रोमीन। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सौर पैनल में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, सिलिकॉन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का। अगला देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुओं की जो ऑक्साइड प्रकृति है ये होती है बी आंसर, अम्लीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड पर आमतौर पर कैसे होते हैं? तो अम्लीय राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर अम्लीय। अगला सवाल, अगला है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या फिर मेटोलाइट कहा जाता है। निम्न में से किसे उपधातु या फिर मेटोलाइट के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 7 ही आपके मेटोलाइट या फिर उपधातु हैं, उसमें से जर्मेनियम आपका हो जाएगा। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, जर्मेनियम। अगला, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, GaAs करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गैलियम और आर्सेनिक, यानी कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम और आर्सेनिक यानी कि GA और AS तथा सिलिकॉन यानी कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है इसका भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक उपधातु है। सही आंसर हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो एक उपधातु है। डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो अधातुएं हैं इनको वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं, तो अधातुएं। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? अधातुओं के बारे में कौन सा, इसमें कौन सा विकल्प गलत दिया गया?
पहला देखिए, अधातुओं के गुणधर्म में कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला देखिए चालक, अधातुएं चालक हैं ये गलत है। अधातुएं भंगुर हैं, हल्के पदार्थ, मंद और दीप्त रहित हैं, ये सब है, लेकिन चालक ये गलत है। देखिए अधातुएं की कुछ गुण दिए गए हैं, उसको देखिए। जो धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुओं का घनत्व कम होता है और ये भंगुर भी होते हैं, हल्के पदार्थ भी होते हैं। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है और ये धातुओं की तुलना में मंद और चमक रहित तो होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं के गुणधर्म है? तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, अर्धचालक। देखिए उपधातु या फिर मेटोलाइट्स में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इसमें कुछ गुणधर्म इस प्रकार हैं, जैसे अर्धचालक आमतौर पर होता ही है, ठोस, चमकदार और नाजुक, बिजली के मध्यवर्ती कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातुओं के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, ढीले और आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये गलत है क्योंकि ऋणायन बनाती हैं। जबकि अधातुएं ऋणायन बनाती हैं ये सही है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं ये भी सही है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं ये भी सही है। तो यहाँ पे धनायन नहीं दिया गया, ये गलत दिया गया है, अधातुएं जो है ऋणायन बनाती हैं। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगली जो टॉपिक है आपकी, ये है 11वीं टॉपिक, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिश्रण को अलग करने की विधियाँ हैं, अब इसके सवाल को देखेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मुझे और भी ऊर्जा मिल सके। तो अब हम देखेंगे 11वीं टॉपिक, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ, इसके सवाल देखेंगे जो भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए।